हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग यानी जन्नत नसीब होगी। हमारी पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया जाता है। दुनिया भर में लगभग 4,200 धर्म हैं और सभी धर्मों में देवी देवताओं, भगवान के दूत और भगवान का उस धर्म के अनुसार जिक्र किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं के बारे में जो पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं, क्या वो सब सच हैं और क्या हमें अपने ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए? आइए जानते हैं। हम 21वीं सदी के लोग हैं और ये विज्ञान की सदी है। विज्ञान के इस युग में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के लिए कोई भी जगह नहीं है। एक समय था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है और चांद, सूरज और अन्य तारे इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन विज्ञान ने लोगों के इस भ्रम को दूर किया और पृथ्वी के बारे में सही विवरण दिया। आज विज्ञान की मदद से हम दूसरे ग्रहों पर जाकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि विज्ञान के इस युग में क्या हमने अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से समझ लिया है? क्या विज्ञान ने पृथ्वी के सभी रहस्यों को सुलझा दिया है? अगर हम इतिहास में झांककर प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए निशानों को देखें तो उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। आज हम वैज्ञानिक उपकरणों और परीक्षणों द्वारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पृथ्वी पर गुजरा हुआ वक्त कैसा रहा होगा, जैसे अलग अलग प्रजातियों का इवोल्यूशन, डायनासोर्स का धरती पर राज करना और पृथ्वी का बनना आदि। लेकिन जैसे ही हम इतिहास में 3,000 से 10,000 साल पीछे झांकते हैं और उस समय में मौजूद सभ्यताओं के अवशेषों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी के गुजरे हुए वक्त के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जब भी हम उन सभ्यताओं को जानने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में एक ही चीज आती है, आखिर क्यों और कैसे? क्यों और कैसे नाजका लाइंस को बनाया गया था? क्यों और कैसे बनाया गया था मिस्र के पिरामिडों को? क्यों और कैसे बनाया गया था ईस्टर द्वीप की मूर्तियों को? क्यों और कैसे बनाया गया था स्टोनहेंज को? आखिर क्यों नष्ट हो गया बेहद उन्नत शहर मोहनजोदारो? वर्तमान में ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जो गुजरे हुए वक्त से सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर क्यों और कैसे। और न जाने ऐसी कितनी और सभ्यताएं होंगी जो धरती की गहराई में दफन हैं, जो कि अभी भी अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगर हम इन सभ्यताओं को गहराई से देखें तो हम माने या ना माने, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बेहद उन्नत रही होगी, क्योंकि बिना किसी तकनीकी मदद के भारी भरकम पिरामिड्स को इतने सटीक ढंग से बनाना असंभव लगता है। ऐसा लगता है जैसे अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वैसी ही टेक्नोलॉजी इस धरती पर पहले भी मौजूद रह चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो इजिप्ट के एक मंदिर में नक्काशी की हुई तकरीबन 3,500 साल पुरानी तस्वीर है। अगर इस तस्वीर को गौर से देखा जाए तो इसमें दिखने वाली आकृतियाँ हमारी आधुनिक तकनीक जैसी लग रही हैं, जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली आकृति, मोटरबोट या टैंक,
छोटे जहाज और पनडुब्बी। आखिर इसका क्या मतलब है जो इन चीजों को 3,500 साल पहले नक्काशी किया गया। १९०१ में ग्रीक आइलैंड के एंटी काइथेरा तट पर एक डूबे जहाज के मलबे से लगभग 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर बरामद किया गया, जिसको कि एंटी काइथेरा मैकेनिज्म बोला जाता है। ऐसे ही कई और भी सबूत हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं कि गुजरे हुए वक्त में टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस रही होगी। वैसे गुजरी हुई सभ्यताओं के बारे में जान पाना बेहद मुश्किल है। गुजरे हुए समय में पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटी थीं, वो जान पाना केवल एक ही तरह से संभव है,